नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। रीडिंग में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे SBI का जो नेट बैंकिंग है उसका पासवर्ड कैसे आप लोग रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो उसको आप लोग ब्रांच से कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में ये वीडियो है। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपके पासवर्ड को रीसेट करने में। यहाँ पे रीसेट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों की मेनली ज़रूरत होगी। एक है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसमें आपका OTP वगैरह आएगा, और दूसरा है आपका पासबुक जिसमें आपका अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। अगर डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन नहीं होता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट से देख के आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन SBI.com है इसको आपको ओपन कर लेना है। आप लोग ब्राउज़र का प्राइवेट विंडो ओपन कर लीजिए और वहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आपका जो बैंकिंग जो लॉगिन पेज है वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ पे आपको जो फॉरगॉट पासवर्ड पे आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपके यहाँ पे डिटेल्स मांगी जाएंगी, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आपका यूज़र ID, आपका मोबाइल नंबर, कंट्री और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होंगी। इस सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसके लिए आप लोग अपना जो वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर आपका आधार कार्ड, आप लोग इन चीज़ों की मदद ले सकते हैं। और अकाउंट नंबर के लिए आप लोग अपना पासबुक जो है उसको देख लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वहाँ पे पूरा जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता, सिर्फ साल मेंशन होता है, वो लोग यहाँ पे 0101 डाल के और अपना जो भी साल होता है उसको डाल के आप लोग डेट ऑफ बर्थ को डाल सकते हैं। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है शायद वहाँ पे ले लेगा। अगर फिर भी नहीं लेता है तो आपको डायरेक्टली बैंक पे जाके पहले KYC करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे आपका जो पासवर्ड रीसेट का प्रोसेस है उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप लोग सारे डिटेल्स फिलअप कर दोगे उसके बाद OTP आएगा। OTP को आप लोग डाल दोगे। OTP डालने के बाद आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर ATM कार्ड के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड अगर जानते हो आपका तो उसको यूज़ करके आप लोग अपना जो लॉगिन पासवर्ड उसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली ब्रांच के थ्रू उसको कर सकते हो। तो हम लोग ब्रांच वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्शन करेंगे। इसको सिलेक्शन करने के बाद दोबारा से आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर एक PDF मिल जाएगा जिसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको आप लोग प्रिंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव एज़ PDF क्लिक करके आप लोग इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास डायरेक्टली प्रिंटर होता है तो नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप लोग वहाँ पे जाकर डायरेक्टली प्रिंट आउट भी दे सकते हो। तब हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो फॉर्म हमको मिला है इसको प्रिंट आउट करने के बाद आप इसको कैसे फिलअप करोगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में अपना जो ब्रांच है उसको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना नाम डाल दोगे और उसके बाद अपना अकाउंट नंबर, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे डेट डालना होगा और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे डेट डालना होगा। उसके बाद आपको ईमेल डालना होगा। अगर आपके पास ईमेल नहीं होता है तो उसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। नीचे आपको यहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और आप लोग जो एक सिग्नेचर होता है उसको यहाँ पे आपको करना होगा। यहाँ पे एक ही सिग्नेचर आपका चाहिए। बैग में आपका जो भी सिग्नेचर आपने दिया हुआ था वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना होगा। इसको करने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको और भी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, मतलब कि और भी एक सेक्शन आपको मिलेगा। उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा जो बैंक वाला है उसके लिए है। तो आपको सिर्फ ऊपर वाला जो फॉर्म है इसको फिलअप करना होगा और इसको फिलअप करके आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूफ लेके आप लोग बैंक में चले जाइए। या फिर अगर आप लोग खुद से जा रहे हो तो वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं लगेगा, बस आप लोग ये फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद वो लोग वहाँ पे आपको एक रेफरेंट ID या फिर एक कोड देंगे, ID देंगे, जिसको यूज़ करके आप लोग वहाँ पे जो अपना पासवर्ड है ऑनलाइन ही रीसेट कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे आपको सबसे पहले जब ID मिलेगी आप लोग दोबारा से ऑनलाइन SBI.com पे चले जाओगे। वहाँ पे आपको दोबारा से वो फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन पे जाना होगा और वहाँ पे जाके आप लोग यहाँ पे नीचे एक देखोगे तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपका जो भी रेफरल ID आपको मिला था उसको यूज़ करके आपका जो पासवर्ड उसको रीसेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आपका यूज़र नेम और जो रेफरल ID आपको मिला है उसको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद नीचे आपको कैप्चर दिखेगा, उस कैप्चर को टाइप कर दीजिए। तो उसके बाद आपके फ़ोन पे OTP आएगा। OTP को आप लोग देख के यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको आपका जो नया पासवर्ड है उसको सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका
स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबर और स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि एट द रेट या फिर डॉलर साइन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिए। उसके बाद जब आपका पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाए तो आप लोग उसी पासवर्ड को यूज़ करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद दोबारा से एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे, आपके नंबर पे, तो ओटीपी डाल के आप लोग यहाँ पे लॉगिन हो जाओ। तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपका अगर प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे ठीक ठाक है, आपको याद है, तो आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पे रीसेट करना होगा। पुराना प्रोफाइल पासवर्ड आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए और नीचे आपको नया प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा, तो उससे आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको रीसेट हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे फॉरगॉट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप लोग यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल पासवर्ड को सेट करने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ऊपर में आपको सारे लिंक्स यहाँ पे दिख जाएंगे, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो या फिर आपका अकाउंट का जो समरी है, लास्ट ट्रांजेक्शन है, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। पर जब तक आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड को रीसेट नहीं करते तब तक आप लोग अपने अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकते, ईमेल अपडेट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। पर अगर आपको सिर्फ अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना हो या फिर ऐसे मामूली काम करने हो तो आप लोग यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको बिना रीसेट किए भी इसको यहाँ पे देख सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन था अगर वो आपको बताए तो उसको इस्तेमाल करके आप लोग इसको रीसेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और बाय ब्रांच भी इसको कर सकते। तो हम लोग इसको बाय ब्रांच यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो ब्रांच कोड है उसको यहाँ पे डालना होगा। आप लोग पासबुक को देख कर ब्रांच का कोड यहाँ पे डाल दीजिए। डाल के आप लोग यहाँ पे जब सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे आपके प्रोफाइल पासवर्ड को सेट करने के लिए एक फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करके उसको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिलअप ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपना अकाउंट नंबर, उसके बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके आपको उसको अपने ब्रांच में जाके सबमिट करना होगा और वो लोग वहां से आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको रीसेट कर देंगे। उसके बाद जब आप लोग दोबारा से अपना जो यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको रीसेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि नया प्रोफाइल पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह है उसको नए तरीके से सेट कर सकते हो। उसको सेट करने के बाद जब आप लोग दोबारा से लॉगिन करोगे तो आपको वो मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्टली आप लोग डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना जो SBI का प्रोफाइल पासवर्ड है और दोस्तों SBI का जो लॉगिन पासवर्ड है उसको बाय बैंक से यहाँ पे इसको ठीक करवा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो के बारे में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं हो या फिर आपका कोई सजेशन हो तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।